तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आज मैंने ग्रुप मीटिंग में डाला था, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि आज मैं एक चैलेंज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं मेरे लिए क्या चैलेंज लेने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपने लिए वो चैलेंज ले सकते हो। चैलेंज लेने से क्या होता है ना, जब आप पब्लिकली अनाउंस कर देते हो ना किसी भी चीज को कि लाइक मैं ये करने वाला हूँ अगले एक वीक के लिए या अगले 2 वीक के लिए, महीने के लिए, तो उस चक्कर में ना आप और भी ज्यादा सही तरीके से अपने गोल ओरिएंटेड वे में वर्क करना स्टार्ट कर देते हो और आपको नए नए आइडियाज आते हैं कि किस तरीके से मैं इस प्रोसेस में वर्क करूं। जैसे कि एक बार स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट ही किया था फॉरवर्ड जर्नी, हमने स्टार्ट किया था, तब शुभम सर ने, तरुण सर ने एक बार चैलेंज लिया था कि 1 महीने तक हम रेगुलरली यूट्यूब पर वीडियोज डालेंगे। तो वो चैलेंज ना उस टाइम मेरा पूरा नहीं हो पाया था। मैंने कुछ दिन तक तो रेगुलरली किया और लाइक 16th और 17th मैंने वीडियोज डाली और उसके बाद मेरी कंटिन्यूटी टूट गई। पर शुभम सर ने और तरुण सर ने वो पूरा किया था। पर उस चक्कर में ना लाइक वो चैलेंज तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे वहां पे से बहुत अच्छी लर्निंग मिली कि यार अगर अपन चैलेंज ले रहे हैं ना तो उस चक्कर में अगर पूरा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ बाय चांस तो भी वो फ्लो जो बना उससे मेरे को रेगुलरली कंसिस्टेंसी से मैं वर्क कर पाई। तो अभी ना काफी टाइम से क्या हो रहा है ना, मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम पे कभी पोस्ट डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, यूट्यूब पर मैं रेगुलरली, फिर भी मेरा कंसिस्टेंसी रेगुलरली वीडियोज डाल रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं रील नहीं डाल रही थी। और मैंने काफी टाइम से सोचा हुआ था कि यार ट्विटर पे मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ किस तरीके से वर्क करना है, क्योंकि ट्विटर एक मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर वर्क कर रही थी एज अ लाइक सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था क्योंकि वहां मेरा कोर एक्सपर्टीज SEO था, तो लाइक ट्विटर के ऊपर इतना वर्क नहीं कर पाई मैं। तो अभी भी ऐसे ही सीन है कि अभी मैं कोरा के ऊपर वर्क कर लेती हूँ, यूट्यूब पे वर्क कर लेती हूँ, लेकिन ट्विटर पे वर्क नहीं कर पाती। सो मैंने चैलेंज लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिससे कि मेरे ऊपर भी एक साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़े कि हाँ चंचली ये वाला वक्त आपको करना ही है क्योंकि ग्रुप में अनाउंस कर दिया है और यूट्यूब पर मैं इसको डालूंगी। तो एक होगा कि एक फ्लो बन जाएगा जिससे मैं अच्छे से वर्क कर पाऊंगी। सो चैलेंज में कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज मैंने डाली है, जिसमें पहली एक्टिविटी है कि रेगुलरली मैं 1 वीक तक, 1 वीक का ही बनाया है मैंने जिससे मैं इसको पूरा कर पाऊँ, तो 1 वीक तक मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली रील डालूंगी। सेकंड मैंने एक्टिविटी बनाई है कि मैं रेगुलरली कोरा के ऊपर भी काम करूंगी, 1 वीक तक रेगुलरली एक ही क्वेश्चन का आंसर करूँ भले, लेकिन वो रेगुलरली करूंगी 1 वीक तक। साथ में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीक में 2 बार लाइव जाऊंगी, 2 बार इंस्टाग्राम पर और 2 बार यूट्यूब पर, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी जो यूट्यूब फैमिली है और इंस्टाग्राम फैमिली है उनके साथ में मैं बातचीत कर पाऊँ और ऑडियंस को टाइम दे पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाऊँ और अटेंशन भी ग्रैब कर पाऊँ लोगों का, जिससे मेरी विजिबिलिटी में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरा एक टारगेट भी है कि इस साल मेरा यूट्यूब पर 50K सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ, मेरी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, तो इसके लिए मैं वीक में 2 बार लाइव जाऊँगी। और नेक्स्ट वीक में, जैसे ये अभी सैटरडे है, कल संडे आ ही जाएगा, कल हमारा ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, सो नेक्स्ट वीक में मैं एक दिन, अब मैंने डिसाइड नहीं किया कि किस दिन दूंगी, लेकिन मैं ट्विटर के ऊपर पूरा सब कुछ देखूंगी और जिस तरीके से शिवम ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया था उस तरीके से मैं ट्विटर पर ट्रेनिंग दूंगी। अब मैंने कुछ अभी प्लान नहीं किया है किस तरीके से करना है क्या करना है, लेकिन हाँ मैं फुल डिटेल में एक वीडियो दूंगी जिससे मेरे को सीखने को भी मिलेगा और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी गाइड करूंगी, तो डेफिनेटली मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने शुभम सर से सीखी थी और बाकी काफ़ी लोग लाइक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पर मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, सभी लोग ना अपनी हर एक्टिविटीज़ को रेगुलरली चेक करते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको ट्रैक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जर्नलिंग करते हैं। बेसिकली एक होता है आप डायरी मेंटेन कर रहे हो, एक होता है जर्नलिंग करना। तो मैं डेली जर्नल अभी तक रेगुलरली नहीं कर पाती, मैंने अभी बीच में कर लिया, एक आध बार लिख लिया, कभी नहीं लिखा, लेकिन 1 वीक तक मैं अपने ऊपर एक टास्क ले रही हूँ कि रेगुलरली मैं जर्नलिंग करूंगी जिससे कि मैं जो भी गलतियां कर रही हूँ वो मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगी, उन चीजों को इम्प्रूव कर पाऊंगी। सो 1 वीक के मैंने ये टास्क बनाए हैं और ये इस पीस ऑफ पेपर में मैंने लिखा हुआ है जिससे रेगुलरली मेरे को ध्यान रहे। ठीक है, तो ये तो हुआ चैलेंज। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी होगी क्या है। तो आप सभी लोग में से जो भी लाइक इंटरेस्टेड है वो भी इस तरीके का एक चैलेंज आप लोगों के लिए, आप लोग अपने लिए सेट कर सकते हो। चाहो तो आप आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर या ग्रुप में शेयर कर सकते हो जिससे कि
सभी लोग को भी पता रहे कि आपने क्या चैलेंज लिया है और वो भी आपकी हेल्प कर पाए, और वो भी आपको देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यार मैंने ग्रुप में डाल दिया है, मैंने फेसबुक पे डाल दिया है, तो मुझे करना ही है, राइट? सो अब बात करते हैं कि जो मैंने डाला था कि ग्रुप डिस्कशन करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। काफी टाइम से ना, अभी हम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज कर पा रही हूँ, नहीं। मैं जो चीजें कर रही हूँ, जो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि ऐसा करूं वैसा करूं, मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है उसको ट्रैक करूं, तो मैंने कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया, ट्रैक करना स्टार्ट किया, उससे मुझे कंपैरेटिवली पहले से बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वो चीजें मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी, कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, जो कर रही हूँ वो ही आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ना, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है हमारा मोबाइल फोन। कभी किसका मैसेज आ रहा है, कभी कोई मेल आ रहा है, कभी किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसमें क्या होता है ना, बहुत बार मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना, किसी का मैसेज आ गया, हाई आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन TLF। बहुत सारे लोग इस तरीके के मैसेज भी रेगुलरली करते रहते हैं, या फिर 2CC का कुछ पूछ लिया, तो तुरंत ना मेरा काम छोड़कर मैं लोगों को रिप्लाई करने लग जाती। इससे मेरा बहुत ज्यादा ना सब एक्टिविटीज मिक्स हो जाती है। तो इस बार मैंने फोकस मोड यूज करना स्टार्ट किया, जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ या फिर वीडियो बना रही हूँ, किसी के साथ में 1-to-1 मीटिंग कर रही हूँ, तो मैं फोकस मोड ऑन कर देती हूँ। हम सभी के मोबाइल में सेटिंग में जाकर आप देखोगे तो फोकस मोड होता है, तो उसको मैं ओपन यूज करती हूँ, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन सारे बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, तो मेरा जो जिस टाइम पे जो काम करना है ना, उस टाइम पे वो खत्म होता है। इस तरीके से मेरा काफी टाइम सेव हो जाता है। और दूसरा काम मैंने स्टार्ट किया है कि किसी के साथ में 1-to-1 मीटिंग करनी है ना, हालांकि मैं करेंटली काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, लेकिन किसी को अगर जूम का लिंक भी शेयर करना है ना, तो भी मैं उसे टाइम लेके कैलेंडर के थ्रू ही अभी बुक करती हूँ। इससे मेरे को आइडिया रहेगा कि मेरा कैलेंडर बुक है, इस टाइम पे मुझे करना है। क्योंकि एक गलती ना मेरे साथ में काफी टाइम से हो रही थी कि ना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। कभी किसी के साथ में मीटिंग है तो मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, या फिर कभी मैं सो जाती है, तो मैंने कैलेंडर को इस तरीके से अब यूज कर रही हूँ, बेहतर तरीके से यूज कर रही हूँ, जिससे कि जितना मैं डिसिप्लिन रहूंगी वो हर जगह झलकता है। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर डेली जो एक एक चीज करते हो ना, वो आपके हर काम में झलकती है। तो मैंने उसको कैलेंडर को इस तरीके से यूज कर रही हूँ, और उसको रेगुलरली ना कैलेंडर के अंदर एक सेटिंग भी होता है कि आप कितनी मीटिंग आपने करी है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप रीटारगेट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पहले रीटारगेट किया था, तो मुझे वहीं से ध्यान आया कि अभी जूम पर जो भी कर रहे हैं वो भी कैलेंडर के थ्रू ही करें, कोई भी पर्सनलाइज भी मीटिंग कर रहे हैं तो कैलेंडर के थ्रू की जाए। और तीसरा, अभी मैं टूल यूज करती एक एक्सटेंशन यूज कर रही हूँ, मोमेंटम नाम है उस एक्सटेंशन का, मैं शेयर भी करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये एक्सटेंशन ना मैंने यूज कर रही हूँ, इससे क्या होगा ना, इससे क्या होता है, ये सुबह जैसे इस लैपटॉप को खोलती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाता है कि क्या आपका मेन फोकस है। तो यहाँ से जो भी मैं यहाँ फोकस करना है वो चीज डाल देती हूँ, जिससे मुझे बार बार ध्यान रहता है कि ये काम करना है, इस पे फोकस करना है। और यहाँ पे ना एक तरफ टू डू भी आते हैं, आपको जो जो भी एक्टिविटीज करनी है कि आपको 2 hours के अंदर ये एक्टिविटीज करनी है, तो यहाँ से भी आप मेंटेन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल कीप भी है, एवरनोट है, बहुत सारी चीजें, उसको भी आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर अ टाइम बीइंग मैं अभी ये यूज कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं गूगल कीप यूज कर रही थी। तो ये भी थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और एक चीज और, कि अभी मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं डेफिनेटली उसको करूंगी, डेडलाइन एक ना मैं सेट नहीं करती, कि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि इस टाइम पे ही ये काम खत्म करना है, तो प्रोक्रास्टिनेशन होने लग जाते हैं कि यार सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो इस बार मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मेरी जो मेरा फरवरी मंथ है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करूँ, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहूँ, मेरा टाइम में एक एक चीज को सेव कर पाऊँ, है ना, वो बोलते हैं ना टाइम इज मनी, उस चीज को फील कर पाऊँ, वो कर पाऊँ। इसके लिए मैंने सोचा है कि अब और भी अच्छे तरीके से डेडलाइन के साथ में काम करूंगी, और भी मैं कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करने वाली हूँ, जिससे कि मैं एक एक चीज को ट्रैक कर पाऊँ। अगर मेरा 10 मिनट भी अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ तो वो वेस्ट ना जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं भले ही 4 घंटे काम करूँ चाहे 5 घंटे काम करूँ, एक एक चीज मेरा एक एक टाइम एक एक मिनट जो है बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहे। तो इसके लिए मैं ये कुछ चीजें कर रही हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका
टाइम जो है, प्रीशियस टाइम जो है आपका, वो सेव हो और भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहे। तो अभी कुछ जो चीजें ध्यान आई वो तो मैंने आपके साथ में शेयर की, बाकी आप लोग भी शेयर कर सकते हो कि क्या क्या चीजें आप कर रहे हो। तो जो भी आप शेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से लाइक टाइम मैनेज कर रहे हो, कैसे प्रोडक्टिव रहते हो, आप लोग भी शेयर कर सकते हो, जिससे हम सभी लोगों को लाइक पूरी कम्युनिटी को सीखने को मिले।22 का क्या नाम बताया आपने? मोमेंट, मोमेंटम एक्सटेंशन है मोमेंटम। तो जी। सब लोग चुपके हो गए। हाँ हेलो, जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो एक्चुअली पहले तो मैं बाहर हूँ, बट चंचल ने इतनी हाइप बनाई कि आज पता नहीं चंचल क्या बताने वाली है, तो मैंने सोचा यार कुछ भी करते हैं। मैंने फटाफट डिनर किया, अभी सब लोग रिलेटिव्स के आया हुआ, मैं अभी सब इधर उधर बैठे। मैंने कहा मुझे 15 मिनट दो, बस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुन के आना है मुझे, आगे पता नहीं क्या बताने वाली है। बट ये चीज़ मैंने मतलब एक्सपीरियंस करी है कि जो इंसान इस टाइप की थिंकिंग में आ जाता है ना, इस टाइप की थिंकिंग मोड में आ जाता है कि यार मेरे को ना अपने आप को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पहली बात। तो दूसरी चीज, जब इंसान खुद को डेडलाइन देना स्टार्ट करता है, तो समझ लेना जो प्लेन है वो रनवे पे फुल फास्ट दौड़ रहा है, और सबसे ज्यादा प्रेशर यही लगता है। इट्स नॉट इजी 16-17 लोगों के सामने बोलना कि मैं ये करने वाली हूँ, क्योंकि हम 16-17, इनको पता है, हम 16-17 लोग इनको देखने वाले हैं कि भाई तुमने कहा था तुम करके तो दिखाया नहीं, है ना। तो ये प्रेशर हर किसी को बस की नहीं लेना, पहली बात। तो अगर इस माइंडसेट पे आप आ गए हो कि खुद पे प्रेशर आप लेना चाहते हो, ले भी रहे हो और लोगों के सामने बता भी रहे हो, तो पहली बात तो यहीं आप आधी रेस तो यहीं जीत जाते हो, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होता। मेरे को भी बहुत टाइम लग गया इस लेवल तक आने के लिए कि मैं लोगों के सामने ऐसे बोल पाऊँ कि यार ये मेरी डेडलाइन है एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन चंचल, कि आपका माइंडसेट इस लेवल तक का ग्रो हो गया कि आप लोगों के सामने बोल पा रहे हो। डजेंट मैटर हो या ना हो, कहना बहुत बड़ी बात है, आप आधी रेस ऑलरेडी जीत चुके हो। जैसे चंचल ने बोला, आप सब भी मेरे हिसाब से 16 लोग हैं आप लोग, एटलीस्ट कुछ कुछ छोटे छोटी चीजें आप जरूर बताइए कि यार मैं ये करूंगा, ये मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मतलब चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे आप ये कहो कि भाई इस वीक में मैं सिर्फ 10 ही वीडियो डालने वाला हूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी कोई बड़ी बात नहीं होती। बट सामने आके अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना और अपने ऊपर प्रेशर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा लास्ट में कि डेफिनेटली अगर आपको उस टाइप का माइंडसेट चाहिए, तो आपको अपने माइंड पे उस टाइप का प्रेशर डालना पड़ेगा, और ये इस टाइप की एक्टिविटीज आपके माइंड पे पॉजिटिव प्रेशर डालते हैं कि आई हैव टू डू इट, है ना। आप अपनी टीम के साथ बोल रहे हैं, टीम के साथ बता रहे हैं सारी चीजें, और टीम कहीं ना कहीं आपको देखेगी, और इसी प्रेशर के चक्कर में प्रेशर लिया है। और मैं ये नहीं कहूंगा हर बार जीता ही हूं मैं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा ऐसा मैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को जो रिजल्ट मेरे को चाहिए था उसका एटलीस्ट 60-70% मैंने क्रॉस किया है, और उसमें बड़ी खुशी मिलती है कि यार एटलीस्ट चलो इतना सोचा, एटलीस्ट इतना तो हुआ। तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आप सभी लोगों को यही बोलूंगा, जितने लोग भी हैं अभी, कि एटलीस्ट आइए सामने फ्रंट पे, वीडियो ऑन करिए और अपना बताइए 2 से 3 पॉइंट कि यार मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ बैठे हो अपना टाइम खोटी कर रहे हो, 10 बजे बैठे हो, आप और कुछ भी कर सकते थे, बट यहाँ अगर आप कुछ आए हो तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो बोलो। जब तक लोगों के सामने बोलोगे नहीं ना, वो चीज़ कभी हाथ में आएगी नहीं आपके, तो बोलो और डेफिनेटली फिर उस चीज़ को अचीव भी कर लो, ठीक है। तो कौन आ रहा है सबसे पहले? जी, मैं कुछ शेयर करूंगा। हाँ बिल्कुल बताइए जी। विकास जी, करिए, आप करिए, मैं से बात अच्छा करिए। ओके, इन शॉर्ट बता दो। मैं तो मतलब मैंने बहुत ट्राई किया था कि टू डू लिस्ट बनाओ, फिर मैं अभी 2-3 साल तक जितना मुझे याद है मैं करता था कि टू डू लिस्ट बनाओ, ये आज 1 2 3 4 5 6 चीजें करनी है। तो होता क्या कि 2-3 मतलब 2-3 महीने काम चलती है वो, बाद में 4 महीने बाद उसमें 2 चीज कम हो गई, 1 चीज कम हो गई, बाद में एक ही चीज देखता हूँ कि एक ही चीज पे ही फोकस जा रहा है, जो ज्यादा पसंद है उस पर टाइम जा रहा है। तो अभी ये साल से मतलब दिसंबर से बाद मैंने क्या किया कि जो प्रोडक्टिव चीज नहीं है उसको मैंने निकालना चालू किया। अब तक तो मैं प्लस 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 करता रहा, ये भी करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, और टू डू में सब ऐड करते रहो।
और टू डू का हो सके जितना हो सके खत्म करने का ट्राई करो, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होता है और प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे हम लोग ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो ग्रोथ किसी चीज़ में नहीं हो रहा है, राइट। तो मैंने भी चालू किया कि बस नॉन प्रोडक्टिव चीज़ जो है उसको कट करो, बस मैक्सिमम दो चीज़ पे फोकस करो, राइट। मतलब एक पे करोगे तो बेस्ट है। अभी मैं जितना मतलब अब तक जितना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ मैं, राइट, तो बहुत सारी कम्युनिटी में ज्वाइन किया मैंने, राइट। ये कम्युनिटी में यहाँ से यूट्यूब सीखो, यहाँ से फेसबुक सीखो, यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग सीखो, यहाँ से कुछ और सीखो। तो मतलब मेरे से बहुत लोग होते हैं जो बहुत कम्युनिटी में सीखते हैं, राइट। लेकिन मैं अभी जो जितने लोग को देख रहा हूँ, नए लोग इसमें आए हैं, तो वो लोग स्टार्टिंग में इस फ्रेश एकदम माइंड से यहाँ ज्वाइन हुए टेलर में, राइट। तो मैं सोचता हूँ कि वो दे आर वेरी लकी पीपल कि उनको अभी से ये कम्युनिटी मिला है और वो एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं अभी, और जितना मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ पे फोकस करते रहे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कम्युनिटी में ज्वाइन करके यहाँ फोकस करके फोकस पर टाइम वेस्ट हुआ है, राइट। तो वो मैंने अभी प्रोडक्टिविटी के लिए वो अभी मैं कर रहा हूँ अभी कि ठीक है फोकस एक पर ही करना है, राइट, मैक्सिमम दो पे करना है, राइट। जॉब तो ठीक है मेरा है फुल टाइम, तो उस पर तो मतलब टॉप टाइम ही जाता ही है, लेकिन इस पर फोकस करना है। अलॉन्ग विद दैट मैंने स्टार्ट किया है ये साल से कि रोज डायरी लिखो, जो तुम्हारे गोल्स हैं वो रोज कम से कम एक पेज भरो पूरा 20-25 जो भी होते हैं वो, और रोज स्टार्ट विद अ फ्रेश गोल, लास्ट वाला गोल फिर से मत देखो, बस अपने फ्रेश माइंड से लिखो तो वो अच्छा होता है। और बाकी स्ट्रेंजर्स सीक्रेट जो तरुण सर ने बताया, राइट, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट देखो रोज। तो मैं कंटिन्यू मतलब 3 महीने से देख रहा हूँ, कंटिन्यूस रोज देख रहा हूँ, हार्डली एक दो बार मिस हुआ था मेरा, बाकी तो वो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। बाकी गोल थ्रेडिंग है, बाकी ये गोल कार्ड जो है, गोल कार्ड भी बनाया तो वो एक है। बाकी बुक रीडिंग का भी मैं सोच रहा हूँ करने का, लेकिन एक दो वीक होता है बाद में स्टॉप होता है वो, तो उसको भी मुझे कंटिन्यूसली करना है। और सबसे बड़ी बात तो टाइम नहीं है जिसके पास, तो उसके पास सिंपल सी एक चीज़ करनी होती है, सुबह 1 घंटा जल्दी उठे, फिर डेढ़ घंटा जल्दी उठे, जल्दी उठने से टाइम बहुत मिलेगा, राइट। एक साल में 365 आवर्स, उतने जितने आवर्स बढ़ा दो उतना टाइम मिलेगा। तो टाइम नहीं है कभी ये मतलब प्रॉब्लम तो अभी आता ही नहीं मुझे कि कोई मुझे ये करना है, अरे टाइम तो बहुत है मेरे पास, सुबह जल्दी उठना है, काम खत्म करना है, राइट। तो यस, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ और यस उम्मीद है इससे बहुत रिजल्ट मिलेगा अच्छा सा, यस, थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया प्रतीक जी, कि आप जो भी प्रोडक्टिव टास्क है उसको प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को कि क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि ये गलती ना मैं भी काफी टाइम से कर रही थी, मैं कर तो रही थी बहुत सारी चीजें कर रही थी, ये भी उस चक्कर में क्या हो रहा था ना, सब कुछ मिक्स हो रहा था, कोई भी चीज टाइम पे नहीं जा रही थी। इवन लाइक मेरे साथ में ये प्रॉब्लम भी हो रही है कि जैसे सौरभ है, अभी नहीं है शायद यहाँ पर, तो सौरभ को मैंने देखा है स्टार्टिंग से उसने प्रायोरिटाइज करा हुआ है, एक दिन उसने लिया पूरा शूट कर लिया, एक दिन एडिट करके पूरा इसके एडिट कर दिया। लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम रहती है कि मेरा ध्यान ऐसा रहता है मीटिंग भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ना लाइक स्केड्यूल नहीं हो पाती टाइम पे चीजें। तो मुझे मैंने इस फरवरी मंथ को इस तरीके से डिजाइन करना है कि मैं एक एक चीज जो मेरी गलतियां हैं उसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं उस चीजों को सब पे ध्यान दे रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टास्क बनाकर उनको कम्प्लीट करूँ। और अभी मैं पूरे दिन में पहले ही प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ कि नहीं, मेरे को पहले यही टास्क करना है, उसके बाद दूसरा करना है। अदरवाइज क्या होता है, सोशल मैसेजेस को आप बार बार आंसर करते हो, तो उसमें भी बहुत टाइम आपका जो है इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हाँ, प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा सही है। और जो भी नॉन मनी मेकिंग टास्क है उसको थोड़ा अवॉइड करो। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो बोला कि 1 घंटा पहले उठ जाओ, बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं जॉब करता हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि टाइम पे उठ के भी लाइक कर सकते हैं। हालांकि सबको ये चीजें पता होती है, लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन ये बात बोलता है ना, और हम उसको उस तरीके से, उस नजरिए से देखते हैं, तो बहुत बार स्लाइटली जब ज्यादा ध्यान जाता है तो वो इम्प्रूव भी कर पाते हैं। मैं शेयर करूँ, कोई और है तो मैं करूँ। हाँ बिल्कुल करीब का जी। अच्छा, मैं आपकी वीडियो से पहले ही मैं खुद बैठा हुआ सोच रहा था कि यार मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं 1 घंटे फालतू फंड में इधर उधर के टाइम में वेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये लिटरली आज सुबह ऑफिस आने के बाद मैं ये फेसबुक पे खोल लिया, वो खोल लिया, मैं सोच रहा था यार इसको बंद करना है, कल से ये बिल्कुल नहीं करना है, और इस टाइम पे मेरे को कॉलिंग वर्किंग करनी है, जो मेरे पास लिस्ट है, मैंने बहुतों को कॉल करी भी हुई है, तो उनको फोकस करना है इस टाइम से 7 से लेकर 8 बजे के बीच में या 8:30 तक, ताकि बहुत लेट होगा तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो 7 से 8 तक का लोग सेवा फ्री भी होते हैं, तो मैंने अभी यही टारगेट किया कि कल से मैं 7 से 8 जैसे कि मैं ऑफिस से जब आ जाता हूँ तो मैं एक कॉल का करूँगा, प्लस मेरे को वीडियो एडिटिंग और वो मैं फोकस कर रहा हूँ उसके ऊपर कि मैं नेक्स्ट वीक में इसको पूरा सीख लूँ, और मैं फिर वीडियो पे कम से कम 5 वीडियो में डालूंगा इस बारे में। मेरा ये है मेरा आज फरवरी मंथ का। बहुत बढ़िया विकास जी। तो बस आपने जो अपने लिए जो चैलेंज लिया है,
उसको करिएगा, रेगुलरली ट्रैक करिएगा, 5 वीडियो बहुत बड़ा हमने चैलेंज नहीं लिया है तो हम पूरा कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे चैलेंज लो जिससे हम लोग उसको कर पाए। अभी छोटे छोटे टारगेट लेंगे तो कल को हम बड़े भी फिर लिखोगे, अगर हम 5 कर लेते हैं तो फिर हमें 10 करने में 15 करने में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ 5 किया तो 10 भी कर सकते हैं, तो फिर हम बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से कैमरा अच्छा कोई बात नहीं, तो इस तरीके से अगर आप फोकस करके करेंगे तो आप हमारा जो गेमिफिकेशन है यूट्यूब वीडियोज डालने का उस क्राइटेरिया को भी, यूट्यूब कॉन्टेस्ट को भी आप कम्प्लीट कर पाएंगे। और आज की मीटिंग बहुत बढ़िया थी, जो टैग ग्रुप की थी बहुत बढ़िया थी, उन्होंने तो मतलब इतना अच्छा आज बताया ना, आपने जो स्टोरी बताई है वो बिल्कुल ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी उनकी, वो सुन के तो मेरे भी बहुत अच्छा लगा वो, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको पूरा फुल फ्लज ही करना पड़ेगा, तो बस वही इसलिए मैं सोच लिया इसको करने के लिए। देखिए मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ, हाँ एक मिनट बोलूँगा फिर आप बोलना। देखिए किसी भी काम को करने में ना, मतलब बहुत बार मैंने सुना था, मैंने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था हर भी बोलता था किसी भी काम को हाफ माइंडेड करो तो हाफ ही रिजल्ट आते हैं, और मैं मतलब टू बी वेरी मच मैं बहुत फंकी टाइप का इंसान हूँ, तो मैं कह क्या बातें करते हैं ये फालतू की, फुल फोकस कैसे करूँ मैं एक चीज़ पे, टू बी वेरी मच मेरे ये थॉट प्रोसेस था है ना। और अभी आप देख सकते हो मैं बाहर बैठा हूँ अभी, ठीक है सब अंदर हैं, तो क्योंकि प्रायोरिटी है ना, मीटिंग प्रायोरिटी है, चाहे 10 लोग बैठे हो लेकिन वो है कि भाई कैसे भी टाइम निकालना, अभी वो गालियां दे रहे मेरे को अंदर कि तेरी मीटिंग ही खत्म नहीं होती, मैं कह 10 मिनट ले जाओ, ठीक है। तो देखो यही चीज़ होती है कि हाफ हर्टेड जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो रिजल्ट भी हाफ हर्टेड ही आएगा, और आप एफर्ट्स भी हाफ हर्टेड ही डालोगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है।